अगर हम केसेस देखें तो हर रोज केसेस बढ़ रहे हैं, तो अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि पीक आ गया है या पीक अब आके कम हो रहा है। जब हमारे केसेस बढ़ने से स्टेबलाइज होंगे, मतलब रोज जो रेट ऑफ राइज है वो एकदम कम उतना ही रहेगा, और आस्ता आस्ता केसेस कम होने लगेंगे, तभी हम ये कह पाएंगे कि पीक अब आके हम उससे आगे निकल रहे हैं। पीक जो है हर एक क्षेत्र में अलग अलग टाइम पे भी आ सकता है। जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, या और एरियाज हैं, वहाँ पे जो केसेस हैं वो अपने लेवल अपने आप बढ़ेंगे, फिर आस्ता आस्ता कम होंगे। पूरे देश का जो पीक है वो फिर एक अलग कैलकुलेशन पे होगा। लॉकडाउन से हमें फ़ायदा क्या हुआ और आगे क्या रास्ता है? लॉकडाउन से हमें टाइम मिला क्योंकि केसेस की जो राइज था वो स्लो रहा। उससे ऐसा नहीं हुआ कि एकदम जैसे बाहर देशों में हुआ है कि डबलिंग रेट बहुत कम हुआ, कि हर 3 दिन में केसेस डबल होने लगे और एकदम हॉस्पिटल रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो गए। टाइम मिला जिससे हम हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ बढ़ा पाएँ और केसेस इतने ज़्यादा नहीं बढ़े। लेकिन ये बात भी सही है कि लॉकडाउन से ऐसे सिचुएशन नहीं हुई कि केसेस कम होने लगें और एकदम हमारा पीक आके ख़त्म हो जाए। उसके कई कारण हैं। एक तो ये है कि हम सब ने लॉकडाउन कितना सिंसेयरली फॉलो किया। कई जगह ऐसे ही है कि लॉकडाउन को कहते हुए भी लोगों ने लॉकडाउन के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो नहीं फॉलो किए, और इसलिए वो जो केसेस कम होने चाहिए थे वो इतने संख्या में नहीं हुए। पर लेकिन काफ़ी हद तक लॉकडाउन सक्सेसफुल रहा है। कि अगर लॉकडाउन खुल रहा है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक व्यक्ति की और ज़्यादा बढ़ जाती है। चाहे हम कहें सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, चाहे हम मास्क लगाने की बात करें, हाथ धोने की बात करें, ये सब चीज़ें जो हैं ये और ज़रूरी बन जाती हैं। क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, अगर हम ये चीज़ें नहीं फॉलो करेंगे तो केसेस बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे।